राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम बन रहे अब सब बिगड़े काम बन रहे अब सब बिगड़े काम श्री राम जय राम जय जय राम भैया रो राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय उद्योनी चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर भैया प्रतिपुर विधानसभा के लेके हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के लगा रहा था कि प्रतिपुर की सीट फंस गई, लेकिन भाजपा ने पूरे संगठन की सत्ता की सबकी ताकत झोंक के स्थिति अपने पक्ष में करने को प्रयास शुरू कर दो और पहली बाजी तो उनने असंतोष दूर करके मार ले जैसे दावा करे जा रहे। भाजपा की तरफ से भैया गणेशी लाल नायक, रोशनी यादव, अनीता नायक और अनिल पांडे ये सब जने दावेदार थे। टिकट मिली शिशुपाल यादव का, शिशुपाल यादव के टिकट मिली हुई क्या सबके अरमान पर पानी फिर गया, लेकिन भाजपा संगठन और संगठन के प्रति जो निष्ठा है इनकी दुहाई पे कह दो या इनकी बात पे कह दो असंतोष दूर होगा और भैया नेता नगरी में सबका चुप जो है ये पूरी भाजपा मिल के चुनाव लड़ रही। हालांकि अब जो विवाद की विषय है कि भाजपा को चुनाव कांग्रेस से है या एक परिवार से है या सामंतवाद से तमाम चीज़ चल रही। हम भी भैया पृथ्वीपुर के दौरा पर निकले सब बनने गई जितने जी असंतुष्ट वाले चेहरे हैं इन सबसे जरूर बतका हो जाए। सो गणेशी लाल नायक से तो हो ही गया, उनने कह दी कि भैया अब तो भाजपा के लाने कर रहे काम और ई के बाद मैं रोशनी आ रहा कोई तकला उन्हें भी ढूंढ लो। सो वे घरें ही मिली अपने प्रचार से लौटी थी, आश्चर्य तो बहुत देख के इतनी रात के प्रचार से लौटी और टिकट नहीं मिलो के बाद ही भाजपा को प्रचार कर रही। तो हमें लगो अगर जा ताकत भाजपा में लग गई तो ई के बाद जो मानो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती। तो हम भी पहुंच गए सो का बतकाव है देख सुन लो तुम्हें भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव की भैया उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक हफ्ता बाद वोटिंग है 30 तारीख है और 2 तारीख है ये पूरी मेहनत की परीक्षा का परिणाम आने हैं। ध्रुवीकरण से लेकर तमाम दुनिया भर की बातें हो रही हैं, 15 महीने के शासन की बात भी हो रही, महंगाई की भी बात हो रही, 15 साल के शासन की बात हो रही, किसानन की बात है, सब तमाम मुद्दा थे। लेकिन अब पृथ्वीपुर विधानसभा को उपचुनाव सामंतवाद के मुद्दा पे आकर ठहर गए। बुंदेलखंड सामंतवाद को शिकार रहो है और जब वो इलाकों हम बार बार कहते हैं कि वो इलाकों रहो के तो फिर कुत्ता के अगर कुत्ता जू ना खाओ तो दाऊ साहब रूठ जाते, ऐसी स्थितियाँ रही हैं। और उमा भारती से लेकर तमाम लोग मुकाबला करते हैं, सुनील नायक हो या और भी लोग हो या रोशनी यादव हमारे संग हैं, भाजपा की नेत्री हैं, जिला की उपाध्यक्ष हैं, जे भी वही लाइन में है संघर्ष कर रही हैं, इनके संग बैठवे को इनके सामने इंटरव्यू को हमारा एक ही उद्देश्य सतो के चूंकि भाजपा में बहुत चमत्कार हो रहा है। कांग्रेस ने जो मान लो तो कि रोशनी यादव या गणेशी लाल नायक को टिकट कटवे को मतलब हमारी जीत पक्की हो गई, लेकिन जोर को झटका धीरे से तब घरों जब मुख्यमंत्री के मंच पे ये सब चेहरा दिखाने लगे, चाहे अनीता नायक हो, गणेशी लाल नायक हो या रोशनी यादव हो, सब जने एक संग हो, इतनी से कांग्रेस की मुश्किलें शुरू हो गई। लेकिन तमाम उलझने मतदाता और समर्थकन के बीच में रहती हैं और जनता में भी ये बात की है कि भैया इतना सामर्थ्य कहाँ से आत, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में तो नहीं ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब निजी हित की बात आए तो मूल सिद्धांत खूटियन पर टंग जाते, लेकिन इतने टिकट कटवे के बाद और उतना ही मेहनत अगर को कर रहा हो जितनी खुद के चुनाव में कर रहे थे तो एक चिंता की बात कांग्रेस के लाने तो हो जाता, भाजपा में भले ही ये अनुशासन या समर्पण के सखत। अब रात के बजे हैं भैया 9:45 बज भी गए, 8:30 हो रहे हैं और अब जैसी गाड़ी से रोशनी आता उतनी क्षेत्र के प्रचार से लौट के अब अन्य सामान टीम टाम रखो ही तो और इधरे में हम आ गए। अमूमन हो तो नेता कह रहे कि जाओ भैया थके सवेरे भत्का हुई लेकिन बैठी हैं, इसे कहने चिंता है कि भाजपा हमारे क्षेत्र से जोन हमें प्रभाव मिलो चाहे पृथ्वीपुर सेक्टर हो और चाहे पूरे विधानसभा के यादव बाहुल्य गांव हो या पूरे विधानसभा के गांव हो, अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी हो तो कलंक न लगो चाहिए, कहे से हम राजनीतिक परिवार से आते हैं जिन्हें पूरे जीवन भर पार्टी के लाने काम करूँगा। सीधी बात करें रोशनी यादव से बिना लाग लपेट के, आप ही पूरे चुनाव में एक प्रत्याशी की भूमिका में आपने दावेदारी करी थी और स्वाभाविक रूप से
टिकट ना मिलने का निराशा भी आता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से वोट मांगा दिखी अपने उप्रत्याशी के लाने जो आपको टिकट के लाने प्रतिद्वंदी है, तो कैसे जो सामर्थ्य जुट पाओ, कैसे जो आपने अपने आप के समझा पाओ? जो आपने प्रतिद्वंदी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते। भाईचारे के साथ हर कार्यकर्ता हम सब प्रयास करते हैं कि हमें टिकट मिले, या वो स्वाभाविक रूप से है कि अगर हम उस दौड़ में हैं और प्रयास कर रहे तो स्वाभाविक है कि हमें बुरा लगेगा। लेकिन पार्टी की विचारधारा और पार्टी का अनुशासन इतना कड़ा है कि हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, वे शीर्ष नेतृत्व हम सबको इतने अच्छे से आश्वस्त कर देते हैं और इतनी मजबूती प्रदान करते हैं कि कभी भी हम निराशा की ओर जाएं, वे तुरंत हमें आशा की किरण दिखा के तुरंत मजबूत कड़ी में खड़ा कर देते हैं। तो यही से भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि कभों भी कोनो भी दल कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम कभों भी अपना मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा कार्यकर्ता की नींव से मजबूत होते हैं। सो हम अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रियजन हमें प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, लेकिन पार्टी हमेशा कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। और जब भी ऐसी कोनो बात आत तो हम भी हुए कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार के बिल्कुल पार्टी की आगे बढ़ाने के लाजें, पार्टी के विकास के काजें, पार्टी की योजनाएं घर घर तक पहुंचावे के कामें जी जान लगा देते हैं। तो आज पूरे अच्छा मन करके स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कोई चीज़ें अगर हम आगे बढ़वे को प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारी पार्टी से, चूँकि पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं कि हमारा पूरा भरण पोषण और हमारी आकांक्षाएँ हमारी पार्टी है, और पार्टी अगर हमें कोनो संदेश देते हैं कि हम माँ की गोदी में बैठ के अगर रोते हैं तो बेई माँ हमें चुप कराऊ थे, सो वही हमारी पार्टी की दिनचर्या है, करती नीति रीति है, सो वही पार्टी की रीति नीति पे हम और चलत हैं। सो कहता हूँ ऐसी कोनो बात नहीं है, बाकी तो चूँकि समाज में लोगों को बातें बनाने को मौका मिले थे, सो उसे हम औरन को कोनो फर्क नहीं पड़त, कहे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत हैं कि हम और ई कान से सुनाते हैं और ई कान से नकार देते हैं, तो ऐसी कोनो बात नहीं है, और केवल काम करबे में मन लगाऊ थे बस। आप पृथ्वी पर और पूरे विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, भाजपा को चुनाव कांग्रेस से है या कोनो एक परिवार से है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, अगर हम इसे पहले अगर बुंदेलखंड की बात करें तो मैं हम नाम लेबो चाहें कि इतने सामंतवादी की जो लड़ाई और आज जो मुद्दा बन गया है, तो हमारी आदरणीय उमा दीदी जी की आज सभा भी अति पृथ्वीपुर विधानसभा में, और उन्हें सामंतवादियों से लड़ाई लड़ी, जैसे कि आपने देखो ये टीकमगढ़ से लेके टीकमगढ़ जिला से और निवाड़ी जिला तक पूरे हर विधानसभा में सामंतवादी छाई थी, और मध्य प्रदेश में भी ये दिग्विजय सिंह जी को जो नाम दो है कि उन्हीं के पार्टी में रह से आज कांग्रेस को बंटाधार वाकई हो गया है, कहे कि एक कभों भी चाहे सामंतवादी या एक परिवार से पूरो प्रशासन या प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं चलत है, तो ई भारतीय जनता पार्टी में रह के हमें लोकतंत्र की शिक्षा दी जात है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को राजतंत्र की शिक्षा दी जाती है कि हमें केवल प्रजातंत्र को चलाना है, और वो कभों भी उस सफलता की ओर नहीं जा सकते हैं, चूंकि आज के समय में आप देख सकते कि कांग्रेस किस गर्त में जाने का काम कर रही है, चूंकि परिवारवाद ने बाकी कार्यकर्ताओं की और सारे नेताओं की महत्वाकांक्षा को खत्म कर दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ महत्वाकांक्षाओं को पीछे रख के हमारे केवल कार्यकर्ता और गरीब की, महिला, हर वर्ग की चिंता करे थे, और ये भारतीय जनता पार्टी चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, ऐसा आज तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मान लो प्रधानमंत्री आवास दे रहे, खाद्यान्न की पर्ची दे रहे, तो आप खुद भी अगर गाँव जा रहे तो देख रहे कि हर पंचायत में 100-150 आवास बने हैं, लेकिन कभों वे ई नीति को नहीं अपना रहे, कहते भैया हमारे
भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सो केवल हम उन्हीं को आवाज देवे कि भैया जी अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं है तो इन्हें ना देवे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब बिल्कुल सोच नहीं है। लेकिन हमने जो देखो कि 15 महीना जो बात आप कह रहे हैं, 15 महीना जब इतने कांग्रेस की सरकार आई है, और उनको उदाहरण है हमारे जेरोन नगर पंचायत के, जेरोन नगर पंचायत में जो बेचारे गरीबन के प्रधानमंत्री आवास की जो सूचियाँ बनाई गई थी, वे ने सारी सूचियाँ ख़त्म कर दें और अपने तरीके से अपने कार्यकर्ता या बड़े लोगों के घर जोड़ के उन्हें राहत देवे के लाने उन्हें कार्य करो। और जब जैसे ही जब सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कछु दिना पहले हमें मुख्यमंत्री जी आए, जब उनके कान में हमने जब बात डारी, उन्हें बताई कि भाई ये तो ऐसी समस्या है, तो तत्काल हमारी मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए, उनकी सरलता देखो कि उन्हें तुरंत CMO और अन्य लोगों को सस्पेंड करो और जनता के हित की बात रखी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो सरल ईमानदार कार्यकर्ताओं को लेकर के चलती है और हर वर्ग के गरीब जनन की, महिलाओं की, हर तरह से। आप देखिए कि महिला जब भी एक माँ व्यथित और दुखित होती है कि भाई उसके घर में एक बेटी जन्म लेती, आपने भी देखो ये कि मध्य प्रदेश में या अन्य जगह बेटियों को लेके कौन तरह की मानसिकता बनी थी कि अगर एक बेटी से ज़्यादा जन्म ले ले तो भैया वह घर पे बोझ बन गई। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिन्हें हम मामा कहते हैं, उनने पूरो बिटिया को गोद ले लो, उनको पूरो जीवन गोद ले लो कि भैया जन्म लो, लाडली लक्ष्मी योजना दे दी, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करने तो संबल योजना में कि भैया कॉलेज भी तुम्हें, डॉक्टरी की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की अगर 8-10 लाख रुपया भी लग रहे तो बेबी हमें मुख्यमंत्री मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे। तो इतनी मतलब इतनी चिंता अगर घर परिवार में आपने खुद देखो है कि अगर कोनू पिता भी है लेकिन अगर कोनू गलत संगति में पड़ गए तो उन्हें बच्चन की चिंता नहीं है। लेकिन ये हमारे सरल स्वभाव आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व इस बात की चिंता में लगो रहे थे कि कैसे हम हर गरीब परिवार को एक समानता में लाने का प्रयास हमेशा करत रहे, काहे कि वे उनके मन में कहूँ ऐसी बात ना आने पर। और जय कांग्रेस की सरकार जब 15 महीना में आई जी, किसान ने जिन गरीब ने उनसे आशा लगाई थी कि भैया चलो हम कछु बदलाव कर रहे हैं तो कछु अच्छो हुई है, उनने किसान को मुद्दा रखो कि भैया हम कर्ज माफ़ी करे हैं 2 लाख की, लेकिन कर्ज माफ़ी 2 रुपया को तो माफ़ नहीं भाओ और किसानन को डिफाल्टर कर दो, बेचारे कछु जो है हमें नहीं कह चाहिए। और ऐसे ही उनने वो सारी संबल योजनाएं सारी बंद कर दी जिसमें कन्या विवाह योजना की राशि दी जा रही थी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा। और जब कोनो परिवार में आपको भी पता हुई है कि भैया अगर कोनो परिवार की कोनो हमारे बाम मताई की छत्र छाया हमारे सर से उठ जाए तो कोई अगल बगल के पड़ोस के आदमी चिंता करने नहीं आउत, लेकिन जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, उनने ही बात की चिंता करी कि अगर कोई भी ऐसा हमारी बहन बेटी का परिवार है और उस परिवार से किसी की छत्र छाया उड़ जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल में तो 4 लाख रुपये से मदद करी जाते और सामान्य में तो 2 लाख रुपया, और ऊके लाने अगर हमें कफन भी सादा उड़ाऊने तो ऊकी भी चिंता करी कि बात दुखित होकें तो उमें भी 5,000 रुपया देवे को काम करत। तो आप बताओ कि एक सामान्य परिवार अगर हमारे रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी भी हों तब भी वे हमें इतने एक मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा जी जान से समर्पित रहेंगे। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कभी भी कोई चीज़ें अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर परीक्षा में बैठते हैं और एक बार प्रयास करते हैं असफल होते हैं, 2 बार प्रयास करेंगे असफल हुए, लेकिन सफलता हमारे कदम चूमेगी अगर हम हार नहीं मान रहे तो। तो हमें कोई हरा नहीं सकता और लगातार हम सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे प्रत्याशी, सारे पदाधिकारी सब एक होकर, एक संगठित होकर, सब एक यज्ञ की सारी एक एक करके पूरी 108 आहुतियां हम लोग लगाएंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर से विजयी होगी। हम सबसे एक ही सवाल जो बार बार कर रहे हैं कि अगर आप भाजपा के वोट मांग रहे तो जनता भाजपा के वोट काय दें और कांग्रेस से काय ना दें। बच्चा जैसे कि तुम कह रहे हैं कि काय भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कांग्रेस को काय ना दें, तो अबे हमने आपको यही बातें बताई कि 15 महीना मतलब इतने 15 साल से नहीं हती सरकार और 15 महीना आई, सो 15 महीना में पृथ्वीपुर में हाहाकार मच गई। उनने कही भैया जे पूरी जितने सरकार की योजनाएं हती, जे
कन्या विवाह राशि मिलने थी जी, ये लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना को पैसा मिलने, तो जी ये जो परिवार में संबल बनावे को काम करने, तो जी सारी योजनाएं ठप्प कर दें। जो बेचारे बूढ़े बाम मताई जो आशा करते हैं कि हम तीर्थ दर्शन योजना यात्रा कर लेवे, लेकिन जो परिवार में उनके लड़का बिटिया सक्षम नहीं आ करबे में, तो ऐसी हमारी सरकार ने योजना बनाई थी कि भैया चारों धाम घुमा दे, फिर भले ही हमारे बूढ़े बुजुर्ग स्वर्ग चले जाए, लेकिन जाई पार्टी की कांग्रेस की हम का कहें कि उनने बाभी योजना बंद कर दी। तो ऐसी हमारी पार्टी की जो धरातल पे जमीन पे जो योजनाएं हैं, और जिस तरीके से कार्यकर्ता कांग्रेस तो जब चुनाव हुआ उसको जब सारे कार्यकर्ता और सब नेता पूरे गांव में क्षेत्रन में चहल पहल में दिखत रहत, और आप खुद स्वयं जज जो हम आपसे भी कह रहे हैं कि इको आप भी जो है एक सर्वे कर लें, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरे 365 दिन काम करते हैं, एक दिन घर नहीं बैठा था। हम अभी छोटो सो 2 साल को बालक है, लेकिन हम ऊकी चिंता तो जो है कर ही रहे हमारे परिवार, लेकिन हम पार्टी को अपना बच्चा और माँ समझ के पूरे समय समर्पित रहते हैं, पूरे समय उसकी सेवा करते हैं। तो ये, और जब हम इन चीज़ों को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर के हम गांव क्षेत्र में जाते हैं और वो ये बात को स्वीकारत हैं कि आज ये प्रधानमंत्री आवास 1.5-1.5 और नगर पालिका में 2.5-2.5 लाख के दे रहे, जी हमें को दे पा रहा हूँ, हमारे घर के भी हमारे बाल बच्चे ये चीज़ को दे भी ना सोचें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोच तो रही। आज कांग्रेस इतने 70 सालन से है, हमने तो ऐसी सुनी है भज्जा, उस समय को हमने टाइम नहीं देखो कि इतने जो हमारे विधायक हते कांग्रेस के कत्ते के मिनी CM बजते, और उनसे सब जैन से मांग रखी गई कि भैया ओरछा राम राजा सरकार नो जाऊ थे हम तो इतने के लाने कोनो पुल उल बन जाए, हम सबकी आस्था है, लेकिन उनने कभू इन विकास के मुद्दन पे कमू ध्यान नहीं दो है। आपको लगत है ऐसो के सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो और उनके कार्यकाल में उनके कैबे से बन जा, तो आप खुद ही बताओ नहीं कोई शासन आओ तो कहते स्वीकृत हो गई के बाद, बहुत पहले स्वीकृत हो चुका था, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और हम और सब जने प्रयास कर रहे थे, चूंकि वन अभ्यारण्य के विषय की वजह से वो अटको हतो, और तुरंत बात करके जब हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, नितिन गडकरी जी से वहां से स्वीकृत भाव, सो आज वो 50 करोड़ 48 करोड़ की लागत से, अब आपने देखो ही है कि एक पुल तो लगभग बन के तैयार ही हो बे भाव है, और सेवाई पुल भी बन के तैयार भाव जल्द। अगर वे काम करवा बे की एक बातें कह रहे तो आप हमारी पृथ्वीपुर की नगर पंचायत कर लो भ्रमण, और देखो कि कितनों नगर पंचायत में विकास करो, कौन उबाड़ में घुस जाओ। तो आज जैसे कोरोना महामारी चलत रही, आपने खुद देखो कि वैक्सीनेशन के लाने असामाजिक तत्व ने और अन्य दलन ने का चर्चा फैलाई कि भैया जी तो सरकार वैक्सीनेशन मरवावे के लाने लगवा रहे, लेकिन आज भाई जनता भर भर के ऐसो फूलन से स्वागत जते मुख्यमंत्री पहुंच रहे, सरकार के आदमी हम और पहुंच रहे, तो इतना स्वागत कर रहे कि भैया तुम उन्हें जान बचा दी आज कोरोना मध्य प्रदेश से और हमारे क्षेत्र से, तो भग गौ और राम राजा की कृपा रही। और नगर पंचायत जाके देखो आपके को आज बाहर कड़के, भैया हमें खुली हवा चाहने, खुलो वातावरण चाहने, तो अगर हम बाहर बैठ जाएं तो जो है नाली ऐसी खुली पड़ी नगर पंचायत में, 25 साल से नगर पंचायत तो नहीं नो है, तो आप देखो हर जगह नालियों की क्या व्यवस्था है। इतने हमारे चौक बाजार में केवल एक जो है प्राचीन इमारत है, दरवाजो बनो है चौक बाजार में, हम आपसे निवेदन करें कि आप वो देखे आज जो ओते नगर पंचायत में शौचालय बनवा दो, वही के बगल में 2 कदम पे जो है मंदिर बनो है, तो जाके तय की नीति आए कि भैया आपकी सोच जिस भगवान राम को हम मानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जिससे हमारी पहचान है, और आप वहां मंदिर के बगल में आप शौचालय, आपको कहता हूँ और शौचालय नहीं बनो पूरे चौक बाजारों नगर पंचायत में बनवा भी, तो इस तरह की सोच और नगर पंचायत में आपने का विकास करो। हम कह रहे भी पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा में एक कोनो ऐतिहासिक काम गिना देवे के जो करके गए, सो ही हम मान लेंगे बहुत बड़ो काम करो है कांग्रेस ने। कांग्रेस लगातार महंगाई और किसानन की बात कर रही, चुनाव में भी लगातार वो मुद्दा है कि किसान परेशान है, खाद बीज के लाने महंगाई अलग चीज है, इके लेके भाजपा के घेरे को प्रयास लगातार हो रहा, भाजपा कैसे काउंटर कर पा रही हो, आप उनसे भी सवाल हो तो ये क्षेत्र में कि महंगाई हो रही, खाद नहीं मिल रही, तो कैसो आपके लग रहा हो कि अगर ये दो गंभीर मुद्दा है, और यही समय चूंकि चुनाव है, यही समय पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, डीजल के बढ़ रहे, किसान खाद के लाने परेशान है, बिजली के लेके भी तो शिकायतें आ रही, तो कैसे आपके लग रहा उम्मीद जता रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में माहौल बन जाए और चुनाव निकल जाए?
भज्जा आपने कही कि लाइट और बिजली की बात, जब इतने 15-20 साल पहले थे कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें तो कहूँ लाइट और बिजली दे वो सोची नहीं है। हम भी किसान की बिटियाँ आए, हमने देखो खेत पे हमारे पिताजी मान लो 2 घंटा बिजली आई रात के, तो 2 बजे रात के जा रहे पानी भराबे खेत में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए 15 साल से हर गाँव तक सड़क पहुँची, बिजली पहुँची, और अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिले में निवाड़ी जिले में नल जल योजना हर घर तक टोटी पहुंचाने की बात की गई और महिलाओं के सम्मान की बात की गई। पहली बात तो जा रही, अब वे कह रहे महंगाई और ये मुद्दा, तो आप खुद बताओ अगर हमारे परिवार में, हम तो केवल उदाहरण दे के बात कर रहे थे, अगर परिवार में कोनो बाप मताई अपनी बिटिया के ब्याह के लाने अगर पूंजी जोड़ रहे हैं कि अंगाई भैया हम अच्छो घर बनवा ले बे, और एकदम से भगवान न करे के कोनो ऐसे अभाव में अगर कोनो परिवार में कोनो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो जो है पूरी पूंजी कितने अस्पताल में फुक जाऊ थे। तो ऐसे ही जो है भाई आज पूरे देश में 2 साल से कोरोना मंडरा रहा है, कोरोना की महामारी फैली, इतनी भयंकर दशा बनी रही है, और पूरी जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं या पूंजियां हमने जोड़ के रखी थी कि अन्य विभागों में जाएंगी कहीं भी लगाएं, तो बाकी आज अस्पताल में पूरी फुक गई। अबू मैं जा भी सोची कि भैया चलो जो है एक सिलेंडर लगत तो हम और को आज, लेकिन वही अस्पताल में कहो 10-10 और 1000 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ गई। तो सब व्यवस्थाएं हैं, महंगाई अगर महंगाई की बात, अगर हम लोग 8 करोड़ जो आज गैस सिलेंडर हर जगह गांव-गांव तक महिलाओं को दिए गए हैं, जो बेचारी कंडर में जिते चलो इतने तो बुंदेलखंड है सो लकैया है, लकैयन में जला के रोटी बना रही जिते, लेकिन कंडा और लकड़ियाँ नहीं है बेशरम की लकैयन से बना रही, उनकी आंखें फूटी, फेफड़े खराब हुए, अस्पताल पहुंचे 5-5 लाख हॉस्पिटलों में लग गए, लेकिन कभी कांग्रेस ने सोचो, लेकिन ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता कि आयुष्मान कार्ड बनवा के 5 लाख रुपया को इलाज भी दे रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये पेट्रोल और डीजल के मुद्दे बना रहे, तो इनसे आप पूछो कि कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार आई ये पेट्रोल डीजल के दाम कीने बढ़ावो शुरू करे हैं। आज तो मैं ये चीज़ें कहें कि उनके पास और कौन विकास की बातें नहीं है कि आपने काम का करो, आप तो काम गिनवाओ अपने कि हमने ये काम किया। जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी जने कार्यकर्ता गांव में जाके योजनाएं गिनवाऊ थे, काम गिनवाऊ थे कि भैया जो कराओ आपके लाने, प्रधानमंत्री आवास दुआओ, खाद्यान्न दुआओ, संबल योजना को लाभ दुआओ, आयुष्मान योजना को लाभ दुआओ है, बच्चन को फ्री में स्कूल में पढ़ा रहे, समूह की महिलाएं कितनी जुड़ी हैं जिनकी आज जो 500 रुपये के खर्च के लिए तरसती थी, तड़पती थी, लेकिन आज वे बहनें हमारी माताएं 10-10 हज़ार रुपया कमा रही हैं समूह में। तो ऐसा पूरा पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा नेटवर्क फैलाया है मुख्यमंत्री जी ने, और ये बात करते हैं विकास की और महंगाई की, इनसे आप पूछें कि आपने का विकास करो की के भविष्य की लाने का चिंता करी है। और आज ये समय कोरोना महामारी और सारी विकट परिस्थितियां खत्म होने के बाद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 से 2 लाख भर्तियां भी निकाल रहे हैं। तो लगातार आप देखो ये GRS बीच में जो मुद्दे उठाए थे, अगर ये प्रणाली ही नहीं बनाएंगे तो वो 70-80 हज़ार लोगों को कहाँ से रोजगार मिलता। तो मतलब ये सरकारी भर्तियां नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भी हमारी सरकार कितना लाभ दे रही है, और इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एक गरीब परिवार से उठ के गए हैं, उन्हें पता है कि भाई कौन कौन सी सुविधाएं हमें अपने एक परिवार को दें चाहिए। और अभी इतनी बड़ी बात, अभी हम जब इतने जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी उमें केवल हमारे एक केवल समाज की भज्जा ने रोक के मुख्यमंत्री जी से कहा कि भैया हम एक ही घर में एक कमरा में हमारे 4 परिवार रहते हैं, हमारी बहू बेटियन के सबके लड़कन के ब्याह भी हो गए। तो वही मुख्यमंत्री ने एक आदमी का ना सोच करके पूरे मध्य प्रदेश के लिए उनने ये योजना बना दी है, और आगे भविष्य में उसी पे काम चल रहा है कि अगर किसी परिवार में अगर किसी के 4 बच्चे हैं और उनके 4ों बच्चों के ब्याह हो गए, तो उनके परिवार के लिए अलग अलग पट्टा दिया जाएगा जमीन का, और आवास भी बनवाया जाएगा। तो इतनी संवेदनशीलता और इतने काम से ज़्यादा हम किस बात की सराहना करें, कहाँ कंपटीशन। कांग्रेस तो हमारे बगल में खड़े होने का भी साहस नहीं जुटा पा रही है, और उनके पास विकास के कोई काम नहीं है, इसलिए अनावश्यक विषय पकड़े रहते हैं। एक सवाल जो भी है, भाजपा की ताकत ही चुनाव में कहा, तो लगभग आपने योजना बता दी कि जो हमारी ताकत है, चूँकि आप फील्ड में हो, बहुत सारी चीज़ें अनुभव भी मिलते हैं, कमजोरी का है भाजपा की चुनाव में आपके कहा लगे कि हाँ जामा एक कमी है। वैसे तो अब हमारे मान के चल रहे कि हमें सामने चाहे पक्ष कमजोर हो या मजबूत हो, लेकिन हमें हमेशा अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को साध
कर रखना चाहिए। तो हम सब वही कोशिश कर रहे हैं कि अगर कितहु हम और इनकी कमजोरी हुई है भी, तो हम उगे और मजबूती से और साहस के साथ और मेहनत के साथ उगे मजबूत करबे को काम कर हैं। और हम जो मानत कि आज इते भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झंडा गढ़ है, कहे कि सब हम और सब जने एक हैं, संगठित हैं, और यही हमारी मजबूती है। और इस मजबूती के साथ हम जो है कमल को विजय बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। तो दो तारीख कैसी आश्वस्त हो आपके दिवाली चार के पहले दो ही के मंजे भाजपा की आशा तो पूरी उम्मीद भी है, और राम राजा सरकार अछरू माता रानी की कृपा से हम जो अमानत के ईदेर दिवाली सबकी अच्छी मने। तो ये जयती हमारे संघ की रोशनी है, तो आत्मविश्वास से भरी है। और चूंकि इनने जो बता दो कि भाजपा की ताकत यही है कि भैया पूरा संगठन और पूरा हमारे जितने जने थे रूठे बिगड़े सब जने एक हो गए, और यही ताकत है। और इसके अलावा योजना उन्होंने तमाम दुनिया भर की बताई है। सामंतवाद के लेके बड़ी बात जरूर इनने करी है, क्योंकि सामंतवाद एक बड़ा मुद्दा है जो विकास से हटके अब सीधो एक परिवार तक पहुंच गया। हमें और नेता सही बात की सज्जन को यही हेतु के लोग ये लगो परिवार को चुनाव होगा, भाजपा अपनी नीतियों पे और विचारधारा पे अपने विकास पे लड़ रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पार्टी तो दिखा नहीं रही, एक परिवार है। और अब एक जने गणेश लायक समय बात भाई यही कहते हैं कि भाजपा के पास सब कुछ है संगठन, लेकिन कांग्रेस के पास परिवार ही है, परिवार से शुरू हो तो परिवार तक खत्म हो कहानी। खैर जो भी है, अभी परिवार की राजनीति हालांकि चलत रही है इस क्षेत्र में लगातार, और संयोग से दुर्योग से कछु का सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव चुनौतीपूर्ण है। और अब शायद दिन बदलने की स्थितियां हैं, चूंकि जो हिसाब से समाज में और क्षेत्र में जो माहौल चल रहा हो और भाजपा की जो एकजुटता है, तो इस चुनाव में हो सकता है नव इतिहास भी लिखें। हालांकि अब कांग्रेस को पक्ष ले वो अब हमारी शुरुआत नहीं भाई, वो जब पक्ष लें तो होते कई पत्ता खोले जीत के लेके भी कितने आश्वस्त हैं और कितनी उनकी तैयारी है। हालांकि दावा जे कर जा रहा है कि तैयारी उनने कर ली, जहाँ जहाँ जो जो बांटने में तैयारी कर रहे हैं और 30,000 वोट उन्हें खरीद रहे हैं, ऐसी बात हो रही। खैर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक क्षेत्र लगत रहा थे दो चार दिन जो चुनाव के पहले हुई हैं, प्रशासन के लाने भी चुनौतीपूर्ण हुई है। कैसे बांटवे और बटवे और मिलवे और लेवे देवे की भत्का बहुत होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब शासन प्रशासन अगर है चुनाव आयोग है तो ये चीज़ें फिर न्यून हो जाती हैं। हालांकि अभी दो तारीख तक भैया अपन सब देखते रहे, 30 तक पूरे तमाशे हैं, 30 की शाम के सबको भाग पेटीएम में बंद हो जाए, मशीनों में बंद हो जाए, दो तारीख के जब खोले और जब खोले तो दोपहरी तक दीवारी मनबो शुरू हो जाए। अब मन का रही जो जरूर देख रहे हैं, अब केवल मन के लड्डू हैं।